मंशियारी जो है इस तरफ को पड़ता है, और यहाँ पूरा है क्वीरी और जिमिया, इधर गांव है। और जो ये नीचे आपको हल्का हल्का सा गांव दिखाई दे रही है, आई थिंक बुई पातो, और उस तरफ है लीलम, जहाँ से होते हुए हम जोहार टूर के लिए गए थे। तो अगर कल का मौसम अच्छा होता तो उस स्टॉप से हम बहुत कुछ देख सकते थे, मतलब काफ़ी सारे पहाड़ दिख जाते हमें, लेकिन चलो कोई नहीं, अगली बार ट्राई करेंगे कभी। मेन हमारा मकसद था उस स्टॉप पे जाने का, तो हम वहाँ से हो आए। और अब आज का सफ़र शुरू करते हैं। रियल मैन वर्सेस वाइल्ड वाला सीन हो रहा अभी। तो फिलहाल ये पेड़ वाले रास्ते काटने पड़ रहे हैं, मतलब रास्ता है नहीं तो बनाना पड़ेगा। और सामने से लगभग मामला ठीक है, मतलब सीधा सीधा सा रास्ता दिख रहा, और उस स्टॉप पे जाने का हमारा सीन अभी। फिर वहाँ से यूं करके गांव लगते रहते हैं इस साइड को, तो गांव से होते हुए निकलेंगे हम। यहाँ से निकलना पड़ेगा डाउन डाउन नीचे को, बाकी अभी चलते हैं, डेंजरस है रास्ता, तो मिलते हैं। चलो बस जूते ना भीगे, वरना 2-3 घंटे लग जाएंगे इनको सूखने में। और ये चलो अब ऐसे ठीक है रास्ता, काफी होने आ रहे थे वो खाली थे। हल्का हल्का सा वहाँ मुंशहरी दिखने लगा है अब, और हमारा टास्क है यहाँ तक पहुँचना। और रास्ता अब ठीक है, सीधे यहाँ पे पहुँच सकते हैं। अच्छा हाँ, रास्ता तो बहुत सही बना रहा है। मुझे लग रहा है कि ये यहाँ से नीचे बुई पातो गांव है, मतलब अलग अलग गांव है दोनों, तो शायद उन लोगों ने ये रास्ता बना रखा है, क्योंकि यहाँ पर टॉप पे एक ये जगह है, या फिर बकरी वालों ने बना रखा है यहाँ पे ये रास्ता, पता नहीं, लेकिन बहुत सही है यहाँ तक, मतलब पीछे के मुकाबले जो रास्ता था उसके मुकाबले बहुत सही है ये। और फिलहाल पहुँचने वाले हैं उस वाले टॉप पे, तो चलते हैं उस टॉप पे, और उसके बाद बैठते हैं कुछ देर। नज़ारा तगड़ा है भाई, बस प्रॉब्लम ये है कि कैमरे में वो नज़ारा नहीं दिख सकता जो कि आप सामने देख रहे होते हैं। बहुत सही,
ये है यहाँ का नज़ारा फ़िलहाल। और कल हम यहाँ से होते हुए यूं 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 उधर गए थे नागनी धुरा, और यहाँ से होते हुए उसके बाद हम टॉप बाय टॉप यूं आए, आते रहे आते रहे आते रहे, और वहाँ कहीं हमारा कैंप था। तो लगभग हमने चुलकोट से लेके यहाँ तक का पूरा टॉप छान मारा है। धूप के भी दर्शन हो चुके हम। तो ये है टॉप। आराम वाला तो हम आए हैं ऊपर से, और ये वाला रास्ता जाता है बुईं के लिए और ये पातो गांव के लिए। तो ठीक है, मतलब रास्ता अच्छा है, ऊपर से अच्छा है। थोड़े बहुत पेड़ों से होके आना पड़ा हमें, क्योंकि डाउन है रास्ता, उसकी वजह से खिसकने का डर था पैर। तो फिलहाल यहाँ पे हम अभी हैं बुई के टॉप पे, और यहाँ से नीचे जाएंगे हम तो वहाँ बुई गांव पड़ेगा हमें। और जो ये रास्ता जा रहा है इधर, ये पातो गांव के लिए जाता है। तो अभी टॉप पे हम उस वाले टॉप से बहुत ऊपर गए थे हम, उससे भी ऊपर, मतलब ये लगा लीजिए कि सबसे टॉप पे था वो, मुंशियारी इलाके के आसपास। तो कुछ ऐसा रहा सफ़र। और तो आज सुबह हम डाउन नीचे को लगे हुए हैं घर के लिए, हो सके तो आज घर पहुंच जाएंगे या फिर कहीं बीच में हॉल्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा अगला मिशन है बुई तक पहुंचने का।
नदी ही नदी। Ah, we're wrong. Sorry, I can't think of my home, but I need to come to me down here. लाइन भी कहाँ निकलने वाले? बिल्म्बी अब बस आना ही है और बोले वो इधर बात की नहीं होगा तो ऊपर वाले मकान में तो अभी हमें जाना है यहाँ से नीचे लैंग करके गांव है, यहाँ से ऊपर ऊपर होते हुए हम जाएंगे और ये पूरा जंगल जो है ये पूरा टॉप तक काटना पड़ेगा। तो ये है लैंग गांव, लैंगा कहते हैं जिसे हिंदी में, और यहाँ के लोग लैंग कहते हैं। तो यहाँ पहुँचने वाले हम, और बुई से पहले ही हम टॉप से ऊपर आ चुके थे तो बुई नीचे छूट गया। तो अभी लैंगा पहुँच रहे हैं हम, भाई लोग नीचे हैं और एकदम ऐसा रास्ता डाउन वाला, मतलब संभल के चलना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। तो यहाँ से फिर हम आगे निकलते हैं ढीलम के लिए, ये पूरा जंगल काटने के बाद तब वहाँ मिलते हैं। ये सर जंगल गार्डन से है, हम नॉट
तो अभी हम लैंग से आगे आ चुके हैं और यहाँ पे एक टॉप है, वहाँ पे रुके हुए हैं। और यहाँ से ये पूरा कुल्थम है और जिस पीछे जिस गांव में थे हम वो लैंग है, और इस टॉप के उस तरफ है ढीलम और सामने जो है वो दिख रहा है दरकोट धापा। मतलब यहाँ से मुंशियारी जो है टेढ़े में दिखाई दे रहा है। तो अभी तो हम पहुँचे हैं लैंग से आगे, फिर ढीलम और वहाँ से भी काफ़ी आगे है। तो पिछले जो पीछे जब हम जंगल से आ रहे थे जहाँ निंगाल के काफ़ी सारे पेड़ थे और उसके बीच से होके आ रहे थे हम, तो वो पूरा जंगल और जिस जंगल से अभी होकर हम जाएंगे यहाँ से, पूरा जंगल जो है भालू और बाघ का डर बना रहता है यहाँ। तो थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ेगा क्योंकि रास्ता यही है, पूरा जंगल जंगल है। तो ये टॉप काटने के बाद फिर हम पहुंचेंगे ढीलम और उससे आगे फिर हम देखेंगे। तो यहाँ से होके जाना है हमें ये रास्ता और पूरा जंगल, और पीछे भी हम जंगल काट के आए हुए थे लैंग से आगे।
एनिमल। संदर पर हम विश्री बुबजू पूरा विश्री बुबजू बारिश सब गई है कहीं पास नहीं उतार बैर कि उतार हो रहा जी नहीं जी जग मान तो ये ख्याल है बैलेंस एक ठंडे ठंडे से ज्यादा और लगार पात्र हंसती भाई सब लगार बाजार सब नजीब ही हो जंगल भी हो जंगली जानवर आने ने ये बोल रहे नहीं है मेरे में मिले मिले बंदा हो यानी बोल रहे हाँ जंगल का होने रही थी का ना जंगल से तो अब बारी है इस जंगल की। इस जंगल से होते हुए हमें वहाँ बीच में कहीं टॉप पे निकलना पड़ेगा। ढीलम से निकल चुके हैं हम और चंदर ने बेहतरीन ही ककड़ी का इंतज़ाम कर दिया तो रास्ते में कहीं खा लेंगे उसे। कुछ ऐसा नज़ारा है, पूरा जंगल काट के जाना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा नज़ारा रोड बाय रोड होते हुए यूं 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 जंगल के बीच से जाएंगे। तो सामने मुंशियारी है और यहाँ तीन ढीलम है, एक जिस वाले ढीलम में हम थे वो बीच वाला ढीलम है, एक नीचे है और एक यहाँ से एक ऊपर को है एक ढीलम मल्ला ढीलम। तो हम जो थे बीच वाले ढीलम में थे और इन तीनों गांवों का एक ही शॉप है यहाँ पे बीच वाले ढीलम में। चल बे मिलते हैं बाबा।
तो अभी हम एकदम मुंशियारी के एकदम सामने चल रहे हैं। यह मुंशियारी और ये हम वहाँ पे है चिलकोट टॉप, और अभी ये टॉप पार करके एक और टॉप है वो पार करना है। ये इधर बारिश, सफर बहुत लंबा है बाबा। हाँ वो पुल बनना है वो। चलो बाबा चलो आओ। हम जाना ऊपर चाहिए वहां से आएगा। हाँ बाबा छान मार लिया सब। ये वही ताल है जो एक टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था इंस्टा पे, तो ये यहाँ है और हमें जाना है वहाँ लास्ट टॉप पे। और बारिश हो रही बहुत ज़्यादा, कुछ याद है तो चलते हैं अब, बहुत दूर जाना है अभी। और यहाँ पे भी एक ताल है, वहाँ पे भी है, तो निकलते हैं अभी। बहुत रात हो गई और बारिश भी हो रही है, शायद कल ही मिले हम। आखिरी दार है बाबा, लास्ट जंगल, लास्ट उसके बाद चिलकोट धार अपना शहर की ओर। आगे बढ़िया मामू। तो लास्ट डे हमारा ट्रैक जो है वो कंप्लीट हो चुका है और शाम को पहुंचे हम घर, जो है अभी थोड़ी बहुत थकान है क्योंकि बहुत ही लंबा ट्रैक था और
बिल्कुल पहाड़ी रास्ता। तो हमने ट्रैक किया था, ये वाला टॉप दिखाई दे रहा आपको, यहाँ से भी थोड़ा ऊपर, मतलब सबसे टॉप पे गए हुए थे हम, और जहाँ से पूरा पंचाचुली दिखाई देता है। तो हमने अपना ट्रिप शुरू किया था चिलकुट टॉप से। वहाँ से होते हुए हमने पहले दिन कैंपिंग की तोलहिन में, अगले दिन सुबह हम नागनी धुरा टॉप के लिए निकले और रात को हमने वहाँ कैंपिंग की पूरा देखा। और अगले दिन जो है हम भूई पातों के ऊपर से होते हुए लैंग, ढीलम, कुलथम, सांगतांग और दोबारा तोलहिन से होते हुए, कई गाँवों से होते हुए चिलकुट टॉप पहुँचे।